क्या आप वो लोग समेत श्री नरेंद्र मोदी, समेत श्री अरुण जेटली और भारतीय जनता पार्टी के वो सब लोग जो वर्षों तक झूठे इल्जामों को सत्ता की सीढ़ी बना देश की सत्ता पर काबिज हुए हैं, अब वो देश से माफी मांगेंगे? क्या ये सच नहीं कि अब देश के सामने उनकी कलई खुल गई कि झूठ बोलना, साजिश करना, षड्यंत्र करना भारतीय जनता पार्टी का असली डीएनए और चाल चेहरा और चरित्र है? क्या इन षड्यंत्रकारों के वो सब सरदार समेत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, श्री अरुण जेटली और उनके पिछलग्गू और पिट्ठू श्री विनोद राय, उनकी जवाबदेही और जिम्मेवारी निश्चित नहीं की जानी चाहिए? क्या इस देश के 125 करोड़ लोगों से श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अरुण जेटली जी और भारतीय जनता पार्टी को सार्वजनिक तौर से माफी नहीं मांगनी चाहिए? सच्चाई ये है आदरणीय दोस्तों कि ये पूरा देश आज सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई कोर्ट के निर्णय के बाद उन सब लोगों से जिन्होंने 2G को घोटाले का नाम दे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी और देश के उच्चतम पदों पर काबिज हुए, आज उनसे जवाबदेही और जिम्मेवारी मांगने का दिन है। हमें उम्मीद है कि मीडिया के भी वो सब साथी जो कई बार इस दुष्प्रचार से, इस षड्यंत्र और साजिश से प्रभावित हुए थे, आज वो भी उनसे जवाब मांगने का साहस दिखाएंगे। इसके साथ साथ जहां हम 2G के 2G के फैसले पर जो अदालत का निर्णय आया है उस पर तसल्ली जाहिर करते हैं, उम्मीद करते हैं कि बजाय खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह भारतीय जनता पार्टी अपना रिएक्शन दे और आज भी अपनी झूठ, असत्य, साजिश और षड्यंत्र पर अड़ी रहे। समय आ गया है कि वो इस देश को जवाब दें कि 3 साल तक इस देश की बढ़ोतरी, इस देश की कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के खिलाफ साजिश और इस देश को बदनाम करने का घिनौना षड्यंत्र क्या केवल उन्होंने सत्ता पाने के लिए किया? क्योंकि अब ये बात जग जाहिर है, प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी पर, पूर्व सेना के प्रमुख पर, पूर्व उपराष्ट्रपति पर इसी प्रकार के उन्होंने पाकिस्तान से मिलीभगत के झूठे आरोप लगाए और अब संसद में जवाब देने की बजाय कन्नी काटते घूम रहे हैं। तो चाहे वो 2014 से पहले और चाहे 2014 के बाद भाजपा का चाल चेहरा और चरित्र साजिशकारी, षड्यंत्रकारी है और वो 2G के सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई की अदालत के फैसले से अब ये साबित हो गया है। देश उम्मीद करता है कि कम से कम आज प्रधानमंत्री मोदी जी, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता सच्चाई का सामना करेंगे, क्योंकि उनके षड्यंत्रकारी काले बादलों से छटकर जो सच्चाई निकली है वो देश के सामने जग जाहिर है और वो देश से माफी मांगेंगे। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। जनत में ये पूरा मामला है और कांग्रेस भी, डीएमके भी और सब राजनीतिक दल अब देश के 125 करोड़ लोगों से ये जरूर कहेंगे और देश के 125 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, अरुण जेटली जी से, सुषमा स्वराज जी से और पूरी भाजपा से जिन्होंने 3 साल तक इस देश की संसद को नहीं चलने दिया, इस देश में बदनामी का एक माहौल पैदा किया, पूरे देश की व्यवस्था को बदनाम किया, देश की संस्थाओं को बदनाम करने का षड्यंत्र किया, विनोद राय के साथ मिलकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्रकारी खेल जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था को और देश को नुकसान हुआ, उसके लिए मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को, देश को जवाब तो देना पड़ेगा। सर, अरुण जेटली
few minutes ago, he's also given a soundbite to us that Congress party should not wear this verdict as a badge of honor because the policy, the allocation policy was a corrupt policy. That's which is adding to that, he says that the investigative agencies are going to have a closer look at it because the Supreme Court had only appointed the prosecutor in the case. एक पुरानी कहावत है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे. वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी जो झूठों के सरदार हैं आज उनकी यही हालत है क्योंकि झूठों की सरदारी और सरकार की जिम्मेवारी में यही अंतर है जो सच का आईना आज उनको अदालत ने दिखाया है. हम श्री अरुण जेटली जी से पूछते हैं उनके कार्यकाल में 3 घोटाले सीएजी सामने लेकर आया. एक 46,000 करोड़ का घोटाला जो कांग्रेस ने उजागर किया, एक 23,821 करोड़ रुपए का घोटाला जो कांग्रेस ने उजागर किया कैट की रिपोर्ट के आधार पर, और एक जो 4 दिन पहले कैट की रिपोर्ट आई है जो 2,500 करोड़ का घोटाला कैट ने बताया है स्पेक्ट्रम की रिकवरी में. क्या इसके लिए अरुण जेटली जी जिम्मेवारी लेंगे? क्या जांच करवाएंगे? क्या उन्होंने 43 महीने में इन टेलीफोन स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच करवाई, वो पैसा जनता का वापस रिकवर करवाया? और आज मैं फिर ये दोहराता हूं, जब श्री अरुण जेटली और श्री नरेंद्र मोदी जी ने झूठे इल्जाम घड़े श्री विनोद राय के साथ मिलकर, तो कांग्रेस ने फिर भी प्रजातंत्र की जवाबदेही को सुनिश्चित करते हुए कार्रवाई की थी. हमने न केवल मुकदमा दर्ज किया, न केवल जांच करवाई, और उस जांच का पटाक्षेप हो गया. पर क्या अरुण जेटली जी और श्री नरेंद्र मोदी जीएसटीसी स्कैम 20,000 करोड़ का जो घोटाला सीएजी ने बताया है जो मोदी जी की नाक के नीचे हुआ उसकी जांच करवाएंगे और मोदी जी की जिम्मेवारी और जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे? क्या श्री नरेंद्र मोदी और श्री अरुण जेटली व्यापम स्कैम में श्री शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफा लेंगे? क्या माइनिंग स्कैम और छोटा मोदी स्कैम के अंदर वो वसुंधरा राजे जी से इस्तीफा लेंगे? क्या छत्तीसगढ़ के 36,000 करोड़ के पीडीएस घोटाले में डॉक्टर रमन सिंह से इस्तीफा लेंगे? क्या आपने उन सारे मंत्रियों और सत्रियों से इस्तीफा लेंगे जिनके घोटाले की परतें आए दिन खुल रही हैं? आज जब भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के अंदर ऊपर से नीचे तक लिप्त नजर आती है तो उनको सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा नजर आता है. आज वो सुप्रीम कोर्ट की वित्त मंत्री अवमानना कर रहे हैं, वो स्पेशल कोर्ट सीबीआई के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं. देश के वित्त मंत्री को ये शोभा नहीं देता. न्यायपालिका जिसका पूरा का पूरा करियर न्यायपालिका के अंदर से देश के वित्त मंत्री तक आया हो, ऐसे सम्मानित व्यक्ति को हम विनम्रता से अनुरोध करेंगे कि देश की सुप्रीम कोर्ट जो हर महीने इस स्पेशल सीबीआई कोर्ट की प्रोसीडिंग को सील कवर में मंगवाती थी और स्पेशल सीबीआई कोर्ट पर इस प्रकार के इल्जाम लगाना बंद करे, अपने षड्यंत्र के प्रतिशोध में अब अदालत की प्रक्रिया को ना इसके अंदर संलिप्त करें और सर झुकाकर देश से माफी मांगे कि हां उन्होंने षड्यंत्र किया था, हां मोदी जी और जेटली जी, सुषमा जी और पूरी भाजपाई ताकतों ने मिलकर इस देश को बदनाम करने की साजिश की थी. सर उनके रिकॉर्ड को देखते हो तो माफी उन्होंने आज तक मांगी नहीं है. पीएम के बयान से भी आप माफी मंगवा रहे हैं, तो क्या संसद में किस तरह से उठाएंगे? इस मामले को संसद से सड़क तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इस देश का हर जागरूक नागरिक लेकर जाएगा. सवाल ये है कि क्या आप 3 साल तक देश की संसद को रोक सकते हैं केवल क्योंकि आप सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ना चाहते हैं? क्या आप एक साजिश के तहत पूरे देश को बदनाम कर सकते हैं? क्या आप एक साजिश के तहत देश की सारी संस्थाओं को पर कीचड़ फेंक सकते हैं? श्री नरेंद्र मोदी और श्री अरुण जेटली जी ने यही किया. उन्होंने एक बड़े ढोल में, झूठ के ढोल में कीचड़ रख लिया और वो कीचड़ फेंकते गए जब तक मीडिया और देश के कुछ लोगों ने उस कीचड़ की बातों पर विश्वास करना शुरू नहीं कर दिया. पर इस प्रकार के ओछे और षड्यंत्रकारी इल्जामों का जवाब हमने नहीं दिया. देश की जनता के सामने न्यायपालिका ने स्पष्ट और सच्ची बात सामने रख दी है. इसलिए कम से कम आज जब उनके कीचड़ के ढोल की पोल फट गया है तो आज तो सच्चाई माने और देश से क्षमा मांगे. सर लेकिन ये तो कि स्पेक्ट्रम जो आपके जमाने में 10 करोड़ में,
एक हकीकत यह भी है कि 700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम जिसकी ऑप्शन सरकार ने लगाई वो दो बार लगा चुके, एक आदमी भी खरीदार नहीं आया। जब आदरणीय साथी आप स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो उस स्पेक्ट्रम के साथ 5 या 6 महत्वपूर्ण बातें लगातार जुड़ी रहेंगी कि उस स्पेक्ट्रम की ऑक्शन के बाद जो आम जनमानस है उसको उसकी क्या लागत आएगी। दूसरी बात, उस स्पेक्ट्रम की रिकवरी आप कितने साल में करेंगे। तीसरी बात, उस स्पेक्ट्रम में अपफ्रंट पैसा कितना आएगा और कितने साल के बाद बाकी की पेमेंट आएगी। जो देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो ये कहा था कि सारी रिसोर्सेज को जहां तक हो सके पब्लिक ऑक्शन कीजिए। हम उससे असहमत नहीं, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने एक धंधा बनाकर भ्रष्टाचार के इल्जामों का सत्ता की सीढ़ी पाई है। इसी 2G की झूठी भ्रष्टाचार के इल्जामों की सीढ़ी पर आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और अरुण जेटली जी वित्त मंत्री बनकर बैठे हैं। आज वो सीढ़ी नीचे से खिसक गई क्योंकि सच्चाई का आईना न्यायपालिका ने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कोर्ट ट्रायल में उनको दिखाया है। तो क्या आज उनके ढोल की पोल देश के सामने नहीं? तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनाने वाले झूठे लोगों का षड्यंत्र का आज पर्दाफाश नहीं हो गया? और अगर हो गया तो क्यों वो सामने आकर अपनी जिम्मेवारी से बचकर भाग रहे हैं बहाने बनाकर? रणदीप जी आपको लेकर है, आप कानून के जानकार हैं, लाइसेंसेस सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल की। अब जब भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र से अदालत ने पर्दाफाश कर दिया, पर्दा उजागर कर दिया, जब झूठ के बादल छट गए, जब साजिश बेनकाब हो गई, तो फिर अब अरुण जेटली जी और भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। किसी तरह से भी आप पूरे मामले को और भटकाओ और उलझाओ, परंतु मामला साफ है, ना अदालत पर इल्जाम लगाइए ना सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार हुआ होता तो भ्रष्टाचार आज उजागर हो गया होता, जिसको लेकर आज आप बाछे बिछाए बैठे थे। परंतु आज जब आपकी झूठ पकड़ी गई, आज आप सरे राह पकड़े गए हैं कि आपने झूठ और झूठे और षड्यंत्रकारी इल्जामों पर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी हैं, तो आज आप झूठ के पीछे उस आवरण में नहीं छुप सकते। संदीप जी, आपने कहा कि अरुण जेटली ने अदालत की अवमानना की है, तो आपको लगता है कि अदालत इस पर संज्ञान लेगी और जेटली जी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? श्री अरुण जेटली आज भी अदालत का फैसला मानने से इनकार करते हैं। क्या वो एक बहुत अच्छे वकील नहीं? क्या उन्हें कानून की परिपाटी की जानकारी नहीं? क्या आज वो आपके सामने आकर जिस प्रकार की मनगढ़ंत और झूठी बातें कर अपनी साजिश पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं वो निंदनीय नहीं? क्या वो खंडन योग्य नहीं? क्या अरुण जेटली जी को अदालत के निर्णय के आगे सर झुकाकर और खास तौर से उस सीबीआई अदालत के आगे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डे टू डे ट्रायल को मॉनिटर किया है, आज जब वो उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, तो ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे तो है ही, परंतु ये भी है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आज जब उनकी झूठ पकड़ी गई तो वो सब पर इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जामों के सरदार भारतीय जनता पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि वास्तविकता सच्चाई थोड़ी देर छुप सकती है जब काले बादल झूठ के सामने आते हैं, पर जब सच्चाई का सूर्य जब उनके षड्यंत्रकारी चक्रव्यूह को तोड़कर निकलता है तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। ये महाभारत से लेकर अनंत काल से लेकर और 2017 तक का शाश्वत सत्य है। आदरणीय साथी, मैंने इसीलिए बताया कि प्रजातंत्र के प्रति जवाबदेही और जिम्मेवारी का भाजपा और कांग्रेस का यही अंतर है। चाहे झूठे इल्जाम ही लगाए मोदी जी ने, अरुण जेटली जी ने, सुषमा जी ने और पूरी भाजपा ने, चाहे षड्यंत्र ही किया गया, चाहे साजिश ही की गई, चाहे विनोद राय जी को इस्तेमाल कर एक पिट्ठू की तरह उन्होंने अपना पिछलग्गू बना लिया और एक झूठी रिपोर्ट भी लिखवा ली, परंतु इसके बावजूद भी जब मीडिया के साथियों ने, जब विपक्ष के साथियों ने कहा कि ये कुछ कहां गलत हुआ है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और कांग्रेस ने और यूपी ने यह साहस दिखाया कि अगर कुछ गलत हुआ है तो जांच हो जाए, और उन्होंने जांच करवाई और उस जांच का नतीजा आज सामने आया है। सच्चाई जो है वो थोड़ा धीमा पीसती है, ये एक पुराना सत्य है, परंतु जब उसमें से पिसा हुआ आटा निकलता है तो वो बिल्कुल साफ सुथरा होता है।
भारतीय जनता पार्टी की चक्की में केवल झूठ पीसा जाता है, षड्यंत्र और साजिश पीसी जाती है। इसीलिए जब उसका परिणाम निकलता है तो वो खोखला साबित होता है। यही दोनों में अंतर है। सर, कई सत्र जो है नहीं चल सका था टूटी की वजह से, अब ये मामला आपके पक्ष में डिग्री हाई कोर्ट के फैसले के बाद, आप लोग के सदन में रणनीति क्या होगी दोनों सदन? ना केवल सदन, अब मोदी जी को, अब मोदी जी अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते। माननीय नरेंद्र मोदी जी को और उनके सारे मित्र मंडली को समेत श्री अरुण जेटली के अपने झूठे इल्जामों, साजिश और षड्यंत्र के लिए देश और संसद दोनों को जवाबदेही देनी पड़ेगी। देश का तीन साल तक एक सोची समझी पूर्व नियोजित साजिश और षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ने जो नुकसान किया उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। 125 करोड़ लोग, देश के संस्थाएं और संसद आज मोदी जी से और अरुण जेटली जी से जवाब मांगते हैं। धन्यवाद।